देश के शहंशाह आलम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए। चुनावों से पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं की संपत्ति की खूब जांच हो रही है। चुनावों से पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं का ब्यौरा चेक किया जा रहा है, कितनी संपत्ति है, कितनी बड़ी है, कितनी घटी है, कैसे संपत्ति आई, हर चीज का लेखा जोखा हो रहा है। लेकिन अब क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति की भी जांच होगी? जी हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो क्या जनता के सामने बड़ा सच सामने आ जाएगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। इस प्रोग्राम में आज हम एक ऐसी खबर की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उनके तमाम मंत्रियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तमाम सवाल दागे थे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो घर अभी बनाया, जिसकी कीमत, जिसका जो लागत लगी, 45 करोड़ रुपए की लागत लगी है घर के रेनोवेशन में, तमाम एक से एक महंगी चीज़ें लगाई गई। लेकिन यही सवाल तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है कि देश की नई संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, इसमें लाख रुपए खर्चा नहीं हुआ, इसमें करोड़ों से ज़्यादा रुपए खर्चा हुआ है। ये तो जनता की मेहनत की कमाई थी, जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई सरकार एक संसद पर लगा दे तो ठीक है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनके घर की हालत खराब थी, वो अपने घर पर पैसा ना लगाएं, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति की भी जांच होगी, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास सबूत है और अब हम ये सबूत कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहां पर बताएंगे कि कैसे जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार ऐसे पैसा फूंक रही है, जनता के लिए जो काम करना है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य पर, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। इस पर संजय सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया, तो संजय सिंह ने जो खुलासा किया है, क्या वो ये सीधे सीधे तौर पर बताता है कि वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे, क्योंकि संजय सिंह ने तमाम सबूतों के साथ जनता को सच बताने की कोशिश की। हालांकि जो नई संसद भवन है, जब इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था उस वक्त कितना बवाल था, उद्घाटन हो गया उसके बावजूद बवाल है। बवाल इसलिए हो रहा है, पहला तो देश के राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया, दूसरा बवाल इसलिए है इतना पैसा क्यों एक संसद पर लगाया गया। हमारे देश में अस्पतालों की कमी है, स्कूलों की कमी है, अगर रोजगार की कमी है तो कई कंपनियां बनानी चाहिए थी, उनमें लोगों को नौकरियां दिलवानी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार ने वो सब नहीं किया। इन पैसों का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए नहीं किया, इन पैसों का इस्तेमाल किया गया देश की नई संसद भवन को बनाने में। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, देखिए एक रिपोर्ट। शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो, तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है, एक नहीं कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था भी तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं,
ऐसे व्याकुल थे बेचारे, कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये 12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान में लाशें बिछी हुई थी, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर्ड नहीं है, कलर्ड फोटो देख लीजिएगा, एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है सर, असल में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो, 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया, सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पर जेपीसी बनाओ, सवाल ये उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया, भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदाने क्यों दे दी गई, सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही है, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे, कहां थे जब लोग चीख रहे थे, पूछे प्रधानमंत्री से अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि उस कोरोना के समय में जब लोग मर रहे थे तो आप 8,000-8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए क्यों खरीद रहे थे, पूछे अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि 12 करोड़ की अपने इर्द गिर्द घूमने वाली कारें क्यों खरीद रहे थे उस वक्त जब लोगों की जान जा रही थी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर अब क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति की भी जांच होगी, क्या तमाम ब्यौरा तमाम लेखा जोखा निकाला जाएगा, कितना पैसा खर्चा हुआ, कहां से आया, कितना टैक्स था, अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई मोदी जी फंसते नजर आएंगे। और मेरा सवाल देश की जनता से, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा सवाल है कि अगर विपक्ष पर छापे पड़ रहे हैं या विपक्ष के जो ब्यौरे हैं वो निकाले जा रहे हैं तो क्या सरकार से जुड़े ब्यौरे नहीं निकाले जाने चाहिए, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए,
आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।